तो वेलकम बैक गाइज, आज का ये वीडियो क्लोज रेंज वाली सीरीज का पार्ट टू होने वाला है। इसमें हम ये जानेंगे कि जब क्लोज रेंज का सिचुएशन क्रिएट होता है तो हमें कैसे खेलना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम उसे वन टैप मार सके, चाहे सामने कोई भी एनिमी हो, चाहे वो हमारे ऊपर स्पैम करे या फिर वन टैप खेले, कुछ भी करे। तो सबसे पहले आपको जो क्लोज रेंज की नॉर्मल सिचुएशन होती है उनको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। मतलब कि आपको क्लोज रेंज की नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हर बार वन टैप मारना सीखना है। जब आप ये सीख जाओगे तो जो क्लोज रेंज की टफ सिचुएशन होती है आप उनमें वन टाइम मारना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड के अंदर कुछ एनिमीज हमें मिली वेपन के साथ काटने का ट्राई करते हैं। इन प्लेयर्स को वन टाइम मारने में काफी सारे प्लेयर्स को दिक्कत आती है क्योंकि मिली वेपन का रेंज भी अच्छा खासा होता है और दूर से ही वो लपेट देते। तो ऐसे प्लेयर्स को हेडशॉट्स मारने के लिए अपने कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने इनके क्लोज में बिल्कुल भी नहीं रुकना है क्योंकि मिली वेपन का डैमेज और रेंज दोनों काफी ज्यादा है। थोड़ा सा दूर जाके आपने सुपर जंप करना है और ये ट्राई करना है कि एनिमी का फेस आपकी तरफ आए, जैसे कि यहाँ पे इसका फेस मेरी तरफ है और अभी मैं सिंपल सा ड्रैग करूंगा और इसे इजीली वन टैप हेडशॉट भी लग जाए। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, जब एनिमी का फेस थोड़ा सा साइड को होगा तब उसे हेडशॉट नहीं लगेगा, जब बिल्कुल सामने होगा तभी उसे इजीली हेडशॉट लगे। और सेकंड क्लिप के अंदर भी मैंने ऐसा ही किया, जैसे ये मेरे क्लोज आया मैं थोड़ा सा दूर गया और मैंने सुपर जंप किया, इसका हेड सीधा मेरी साइड को आया और इजीली हेडशॉट लग गया। तो ये इजी सिचुएशंस होती हैं, इनमें आपको हेडशॉट मारना आना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तभी हम बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की जिनमें आपको एक पोजीशन क्रिएट करनी पड़ती है एनिमी को हेडशॉट मारने की। क्लोज रेंज में हेडशॉट मारना डिफिकल्ट होता है, खास करके उन प्लेयर्स के सामने जो कि स्पैम करते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को निपटाने के लिए आपको एक सही पोजीशन क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें कि आप इजीली हेडशॉट मार सकते। जैसे आप इस क्लिप का छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एनिमी के ऊपर फायर किया, एनिमी इस सेट को भाग रहा है और मैं सामने की तरफ को भाग रहा हूं। फिर मैंने अचानक से इस सेट को सुपर जंप कर दिया और आप एनिमी को देखो कि वो किस सेट को फायर कर रहा है। जहां पे मैं पहले था एनिमी वहां पे फायर कर रहा है, तो मैं एनिमी के बुलेट से भी बच गया, मुझे डैमेज भी नहीं पड़ा, मेरा सिचुएशन क्रिएट हो गया और मैंने हेडशॉट भी मार। ये काम आप सबसे पहले नॉर्मल प्लेयर्स के सामने करना जो कि थोड़े से नॉर्मल होते हैं, जैसे कि सीएस के अंदर, उसके बाद आप सीएस रैंक के अंदर भी यूज कर सकते हो। सेकंड क्लिप थोड़ी सी एडवांस है, सामने से एनिमी आ रहा था बैठ के, मैंने स्कोप ओपन करके हेडशॉट मारने का ट्राई किया बट नहीं लगा। तो फिर मैं थोड़ा सा घूम के गया, मैंने एक बार हेडशॉट मारने का ट्राई किया बट नहीं लगा, दूसरी बार मैंने एक सही पोजीशन क्रिएट कर ली थी बट फिर भी हेडशॉट नहीं लग पाया। फिर मैंने कुछ इस टाइप का पोजीशन क्रिएट कर लिया और इस पोजीशन में इजीली हेडशॉट लगना था, मुझे पहले से पता था और मैंने इजीली हेडशॉट मार भी। सिचुएशन क्रिएट करना या फिर पोजीशन क्रिएट करना ये एक स्किल है और जिस भी प्लेयर को ये आ जाए वो एक फेयर हैकर बन सकता है। तो सेकंड पॉइंट में आपने सिचुएशन या फिर पोजीशंस को क्रिएट करना सीखना है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लोज रेंज की फाइट में कई बार क्लोज रेंज का सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ क्रिएट हो जाता है और इस टाइम पे हमारा सिर्फ ड्रैग करने का स्किल ही बचा सकता है। जैसे इस क्लिप के अंदर अचानक से एनिमी मेरे सामने आता है और मेरा एम भी काफी ज्यादा दूर है और मुझे एनिमी दिख भी नहीं रहा, बट मेरे पास ड्रैग करने के स्किल्स है और मैंने ड्रैग किया और इसे हेडशॉट भी लगा। बिना देखे मैंने काफी दूर एम से एनिमी को क्लोज रेंज में वन टैप मार दिया और ये एक फेयर हैक है। जिस प्लेयर को ड्रैग करने आता है, जो इतना ज्यादा दूर एम होने के बाद भी बिना देखे एनिमी को हेडशॉट मार दे, वो एक फेयर हैकर है। और इसके अलावा हेडशॉट मारने के लिए और करना भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एनिमी ने मुझे क्रॉस किया, मैंने सुपर जंप किया, एनिमी इस साइड को भाग रहा है, तो मैंने अपने फायर बटन को इसी साइड को ड्रैग किया और इसे हेडशॉट लग गया। फिर मैंने वॉल लगा के दूसरे एनिमी को देखा, दूसरा एनिमी जिस साइड को जा रहा था मैंने ड्रैग किया, दूसरे को भी हेडशॉट लग गया। डीपी बढ़ा लेने से या फिर अच्छा फोन खरीद लेने से कुछ भी नहीं होता है, जब तक आपको खेलने ही नहीं आता है आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब आप ये सब काम करना सीख जाओगे, नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर हेडशॉट मारना सीख जाओगे, खुद सिचुएशन क्रिएट करके हेडशॉट मारना सीख जाओगे और आपको ड्रैग करने के बारे में पता लग जाएगा, उसके बाद आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी जो कि होगी कि आप अपने एनिमी के ऊपर खुद रश करके सिचुएशन क्रिएट करके उसे वन टाइम मारना सीख जाओ। जैसे इस क्लिप में मैंने अपने एनिमी के ऊपर खुद रश किया, रश करने से पहले मैंने अलोक की एबिलिटी को दबा दिया जिससे कि मेरा करेक्टर फास्ट भागे। मैंने एक बार सिचुएशन क्रिएट की सुपर जंप करके बट इसमें एनिमी को हेडशॉट नहीं लग पाया, उसके बाद मैंने दोबारा से सिचुएशन क्रिएट की बट फिर से एनिमी को हेडशॉट नहीं लग पाया, उसके बाद मैंने तीसरी बार सिचुएशन क्रिएट की बट इसमें भी हेडशॉट नहीं लग पाया, और फिर जब मैंने फोर्थ बार सिचुएशन क्रिएट की इस बार एनमी को हेडशॉट लग गया। रश करने से पहले मैं बिल्कुल श्योर था कि एनमी मुझे पूरा फिनिश नहीं कर पाएगा क्योंकि इसने मुझे 100 का डैमेज दे दिया था, मेरे पास 3 ग्लूवॉल भी थे जिनसे कि मैं एक फेक कवर बना सकता था। तो इन सब चीजों को जोड़ के मैंने क्लोज रेंज में एक हेडशॉट मारा। सेकंड क्लिप के अंदर भी मैंने ऐसा ही किया, एनमी मुझे दिख नहीं रहा है, वो कवर के पीछे है और मैंने इसके ऊपर खुद ही रश कर दिया। मैंने एक बार इसको हेडशॉट मारने का ट्राई किया बट इसे हेडशॉट नहीं लग पाया, उसके बाद मैं थोड़ा सा कवर में गया जिससे कि ये मुझे ज्यादा डैमेज ना दे पाए। फिर मैंने यहाँ पे ट्रिक का यूज किया, फायर
करने दिया और इसने जैसे फायर किया उसके बाद मैंने फायर किया और इसे फिर इजिली हेडशॉट चिपक गया। और आप एक और क्लिप देखो, इस क्लिप में मेरे पास ना तो ग्लूवल थी और मेरे पास क्लोज रेंज का ही गन था शॉटगन, और मैं मिड रेंज में बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। पर मैं यहाँ पे इस तरीके से खेला कि एनमी के पास ऑटोगन होने के बाद भी, ग्लूवल होने के बाद भी वो मुझे हेडशॉट नहीं मार पाया। उसने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया बट वो मुझे पूरा फिनिश नहीं कर पाया। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि आपके पास सब कुछ हो सकता है बट अगर आपको खेलने ही नहीं आता है तो आप क्या करो। तो बस फिर गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बाय बाय गाइज।